हेलो फ्रेंड, देखिए आज हम आपके लिए लाए हैं ये सिंगल कलर में बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन। ये पांच फंदों के मल्टीपल का डिज़ाइन है। जब भी आप अपने प्रोजेक्ट में इसको डालेंगे तो पांच के मल्टीपल से फंदे लीजिए। यहाँ से यहाँ तक पांच फंदे, पांच फंदे, पांच फंदे, पांच फंदे, इस तरह से पांच पांच करके लीजिए और उसमें चार फंदे आप और ऐड कर लीजिए। दो फंदे हमारे डिज़ाइन को सेट करने के लिए और दो फंदे हमारे साइड में जो हम सिलाई के लिए रखते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान डिज़ाइन है, तो आइए देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। इससे पहले कि फ्रेंड, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए देखते हैं इस डिज़ाइन को कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताने के लिए इसमें पाँच के मल्टीपल से 10 फंदे और 4 फंदे और ऐड कर लिए हैं, दो फंदे डिज़ाइन को सेट करने के लिए और दो फंदे सिलाई के लिए। तो आइए देखते हैं डिज़ाइन की फर्स्ट रो। पहली सिलाई, पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, अब देखिए दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे हमने सीधे बना लिए। अब एक जाली बनाएंगे, इस तरह से जाली नहीं बनाएंगे आप, बस इस तरह से धागा एक बार लपेट लीजिए। तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे, एक दो तीन, तीन फंदों को एक साथ लेंगे इस तरह से। अब तीन फंदों में से एक फंदा निकालेंगे तो ये हमारे दो फंदे हो गए, एक ये जो हमने धागा लपेटा था और एक ये। अब देखिए क्या करेंगे, जो तीन फंदे हैं उसमें पीछे वाला फंदा हम छोड़ देंगे, इन दो फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से। अब इन तीन फंदों को निकाल देंगे सिलाई से, तो हमारे तीन फंदे थे फिर से ये तीन फंदे ही बन गए हैं। रिपीट पैटर्न, दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे बना लिए, फिर से धागा लपेटेंगे। अब तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे इस तरह से, तीन फंदों को एक साथ लिया और एक फंदा निकालेंगे। अब पीछे वाले फंदे को हम छोड़ देंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे। अब तीन फंदे के हमारे तीन फंदे बन गए, इन तीन फंदों को हम निकाल देंगे सिलाई से, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, लास्ट वाला फंदा इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे, अब दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे, एक दो, अब एक बार हम धागा लपेटेंगे इस तरह से। तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे जिसमें हमारा एक ये जो हमने धागा लपेटा था ये वाला, और दो फंदे ये, तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा ही बुनते हुए तीनों फंदों में से एक फंदा निकालेंगे। अब पीछे वाला फंदा हम छोड़ देंगे, दो फंदों में से एक फंदा निकालेंगे। तीन फंदों के हमारे तीन फंदे बन गए, अब इन तीन फंदों को हम सिलाई से निकाल देंगे। दो फंदे उल्टे, एक दो, फिर से धागा लपेटेंगे और तीन फंदों को एक साथ इस तरह से लेंगे। पीछे वाले फंदे को अब हम छोड़ देंगे, अब दो फंदों को हम एक साथ लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, लास्ट वाला फंदा इसको भी हम उल्टा बुनकर ही कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए वैसे तो ये दो ही सिलाइयां आपको बार बार अपने पैटर्न में रिपीट करनी है, पर एक बार फिर से आप देख लीजिए। पहला फंदा हमने ऐसे उतार लिया, दो फंदे हम सीधे बुनेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे बना लिए, फिर धागा लपेटेंगे और तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे, इस जाली वाले फंदे को भी और दो ये, तो इस तरह से। फिर हम पीछे वाले फंदे को छोड़ देंगे,
और दो फंदों को एक साथ बुनेंगे। तीनों फंदे सिलाई से आप निकाल देंगे, दो फंदे सीधे, एक दो, दो फंदे सीधे बना दिए। अब फिर से हम धागा लपेटेंगे और तीन फंदों को एक साथ लेंगे। एक फंदा निकाल लिया, अब पीछे वाले फंदे को हम छोड़ देंगे और दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा। तो तीन फंदे हो गए, अब इसको सिलाई से निकाल देंगे। तीन फंदे हैं लास्ट में हमारे, इनको हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन। उल्टी सिलाई, सेम दूसरी सिलाई जैसे हमने बनाई थी उसी तरह से, पहला फंदा हमने उतार लिया, दो फंदे उल्टे, एक धागा लपेटेंगे और इन तीन फंदों को हम एक साथ लेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को हम छोड़ देंगे और दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर तीनों फंदों को सिलाई से निकाल देंगे, एक दो, दो फंदे उल्टे, फिर एक धागा लपेटेंगे। अब तीन फंदों को हम फिर से एक साथ लेंगे, पीछे वाले फंदे को हम छोड़ देंगे और दो फंदों को एक साथ बुनेंगे, तीनों फंदे अब हम निकाल देंगे। लास्ट के तीन फंदे इनको हम उल्टा बुनेंगे, एक दो तीन। तो देखिए हमारा डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। आपको बस इसी तरह से आपको बनाना है। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।